नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी चैनल में। आज से हमारा क्वांटिटी सर्वे का लेक्चर पूरा कंटिन्यू हो जाएगा और रोज आपको एक दो वीडियो मिलते रहेंगे। हमारा यहाँ पे सर्वे कंप्लीट हो गया, इस्टीमेट भी हम मैक्सिमम कंप्लीट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बस स्टेयर पार्ट का बचा हुआ है और यहाँ बार बेडरूम शेड्यूल को हम कंप्लीट कर चुके हैं और एक दो वीडियो हम फिर भी अपलोड करते हैं इन तीनों। तो पिछले सेशन में हम आपको बताए थे कि कंक्रीट का हम किस प्रकार, कोई हमारा स्लैब है उसमें से हम कितना सीमेंट बालू और हमारा गिट्टी लग रहा है, यानी सीमेंट सैंड एग्रीगेट हमारा लग रहा है, उसे किस तरह से निकालना है आपको बता चुके थे। आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप दीवार है आपका, मान लीजिए 200 mm वाल है, तो दीवार अगर हमारा 200 mm थिकनेस का है तो हम किस प्रकार से उसका हम निकालेंगे कि कितना हमारा ब्रिक आएगा, कितना दीवार में हमारा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट आएगा, ये सब हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो आइए जानते हैं। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा ब्रिक है जिसकी, ये हमारी दीवार है जो हमारा 5 meter लंबा है और 3 meter ऊंचा है, यानी अगर बोर्ड को ही ले रहे हैं तो इधर से हमारा 5 meter लंबा है, इस तरह से 3 meter ऊंचा में है। और जो हमारी मोटाई रहती है दीवार की, मोटाई हमारी यहाँ पे डबल ईंट की दीवार चुनाई हुआ है, यानी चिनाई कार हुआ है, तो यहाँ डबल ईंट हमारा जो कि है 200 mm वाल, तो इसको हम लेके सॉल्व करेंगे। 200 mm वाल का थिकनेस है तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे कि हमारा कितना हमारा सीमेंट आएगा, सैंड आएगा और कितने नंबर ऑफ ब्रिक आएंगे, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो 5 meter लेंथ दिया है, 200 mm हमारा इसका थिकनेस है वाल, जो हमारी ये बनी हुई है दीवार, इसकी हमारी थिकनेस है, यानी जो मोटाई है दीवार की वो हमारी 200 mm है और हाइट हमारी 3 meter है। तो इसको हम सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालने के लिए सबसे पहले ब्रिक का साइज हमारा होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज हमारा है 190x90x90 mm का होता है। अब जो हम मोटार की लेते हैं, एक ईंट से दूसरे ईंट को जोड़ने के लिए जो हमारी सीमेंट मोटार की थिकनेस लेते हैं वह 10 mm लेते हैं, तो हम मोटार वेट हमारा 10 mm लिए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मोटार के साथ, यानी ब्रिक साइज विथ मोटार के साथ हमारा देखिए 10 mm सब में हमारा जुट जाएगा, तो 200 × 100 × 100 mm हमारा हो जाएगा। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम, जो हमारा दिया हुआ है दीवार का साइज उसका हमारा वॉल्यूम कितना होगा, तो 5 × 0.2 × 3 तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम आ गया है 3 cubic meter हमारा वॉल्यूम आ गया है। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम मिल गया। अब टोटल वॉल्यूम में से हमें ब्रिक का नंबर निकालना है, कितना हमारा ईंट है, कितना हमारा सीमेंट है, कितना हमारा सैंड है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ब्रिक हम निकालने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए हमारा देखिए टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार, जो हमारा टोटल वॉल्यूम है उसमें से विथ मोटार के साथ जो हमारा ब्रिक का साइज है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा, जिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 cubic meter हमारा टोटल वॉल्यूम है और यहाँ पे जो ब्रिक की साइज है उससे हम डिवाइड किए हैं, तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करने पे 1500 नंबर ईंट आ चुकी है, यानी जो इतना लंबा चौड़ा और मोटा दीवार है आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, तो उसमें 1500 ईंट हमारी लगेगी। ये तो हमारा ईंट का नंबर निकल गया। अब हम इसमें से देखेंगे कि हमारा सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार, मोटार का वेट वॉल्यूम निकालेंगे पहले, जितना हमारा मिला है ये हमारे ईंट का नंबर हो गया। अब ईंट का नंबर हम घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल जो मोटार का वॉल्यूम होता है, वेट वॉल्यूम, वह मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार, तो हमारा टोटल वॉल्यूम 3 है, तो ये हमारा ब्रिक का साइज हो गया और साइज है, ये हमारा नंबर है, तो इससे हमारा निकल गया कि हमारा जो है वेट वॉल्यूम, मोटार का वॉल्यूम कितना है। ब्रिक तो हम निकाल दिए, तो अब क्या बचा, इसमें मोटार बचा जो हमारा लगा हुआ है, और यहाँ पे हम 200 × 0.2 इसलिए नहीं लिए हैं कि क्यों हमें मोटार की वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है, तो जो 10 mm बेड निकाले हैं तो इस उसमें से ही हमें जो दिए हैं उसमें से ही हमें सीमेंट सैंड को कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज लिए हैं। तो हमारा जो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोटार का आ गया वेट में, यानी गीली अवस्था में 0.9691 cubic meter आ गया। अब ए आ गया तो इसको हम गीली अवस्था में लेंगे, हमें सूखी अवस्था में चाहिए, तो इसको चेंज करेंगे 1.33 से। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको इसके बारे में डिटेल पूरा हम बता देंगे, 1.33 1.54
जो कि कंक्रीट के केस में। तो यहाँ पे देखते हैं 1.33 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया, यानी सूखी अवस्था में ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार हमारा आ गया 0.919 हमारा आ गया इसका जो मोर्टार है उसका वॉल्यूम। अब इसमें से हमें निकालना है कितना हमारा सीमेंट लगेगा, कितना हमारा सैंड लगेगा। तो इसके लिए हम आगे जाएंगे, जो जनरल रेशो हम लिए हैं, रेशियो लिए हैं एक संबंध है चार का, यानी एक बोरी सीमेंट है तो चार बोरी हमारा इसमें क्या रहेगा, सैंड रहेगा। तो इसका हम सम किए हैं तो ये हमारा 5 आ गया है। ये डिपेंड करता है आप साइज पे जितना ले रहे हैं उतना आप ले सकते हैं, न कि इसके अनुसार चलिएगा 1, 3, 4, 6, 5 इस तरह से नंबर चलिएगा, जितना आप करवा रहे हैं उसका निकालेंगे तो वो अपना आप लेके चलिएगा डाटा। इसका हम सम किए तो 5 आ गया। अब हम निकालेंगे सीमेंट, तो ये जो हमारे वॉल्यूम मिला है ड्राई वॉल्यूम, तो इसमें से हम निकालते हैं सीमेंट की मात्रा केजी में। पहले तो हम क्यूबिक मीटर में निकाले हैं तो 0.919 एक हमारा है, देखिए एक हमारा सीमेंट है और ये हमारा सैंड है 1/5, तो 1.168 क्यूबिक मीटर हमारा सीमेंट लगेगा। अब इसे हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम सीमेंट की डेंसिटी से यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्यूबिक मीटर कैंसिल होगा, सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 और इससे डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 244 केजी सीमेंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब एक सीमेंट की बोरी हमारी आती है 50 केजी में, जो सीमेंट का बैग आता है 50 केजी का रहता है, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो बैग में चेंज हो जाएगा जो कि हमारा आया है 5 नंबर बैग सीमेंट यहाँ पे यूज होगा इतने एरिया में। अब नेक्स्ट हम क्या इसमें निकालेंगे, सैंड की मात्रा निकालेंगे। सैंड की मात्रा निकालने के लिए जो आपको ड्राई वॉल्यूम मिला है उसी में से आप फिर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए सीमेंट एक है सैंड चार है, तो जो ड्राई वॉल्यूम ए हमारा हो गया और 4/4 हम जो कि मात्रा है और डिवाइड बाई 5 किए हैं तो इतना हमारा आ गया सैंड। अब सैंड को हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम सैंड की डेंसिटी से 1450 से हम इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा देखिए 1066 केजी आ जाएगा यहाँ पे हमारा सैंड की मात्रा। अभी तो एक केजी में हो गया, अब मैक्सिमम हम क्यूबिक फीट में भी अगर लेंगे तो उसको भी आपको चेंज करना आना चाहिए। तो जो हमारा जो मिला हुआ है ये क्यूबिक मीटर में हमारा सैंड, इसमें हम 35.31 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम देखिए टोटल हमारा सॉल्व होके आ जाएगा 25.95 क्यूबिक फीट हमारा सैंड आ जाएगा। इस तरह से आप इस दीवार में आप ईंट की भी मात्रा ज्ञात कर लिए, सीमेंट की भी मात्रा ज्ञात कर लिए, सैंड की भी मात्रा ज्ञात कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लास्टर के बारे में, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।